तुषार जी, ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी मम्मी इंसान है या? सुमन, क्या बात है? बोलो ना, क्या बात है? हमने वर्दिका को वहां भेजकर ठीक नहीं किया। वो तुषार जी की मम्मी ने उसे पता नहीं क्या क्या सुना दी। जब वो वहां पर गई तो क्या सोचकर तुम यहां आई हो? मैं तुम्हें पलकों पर बिठाऊंगी, खातिरदारी करूंगी तुम्हारी, और वो भी तब जब तुमने मेरे तुषार को मुझसे छीन लिया। तुम्हारे अजीत भैया ही नहीं, अब तो सारे यही सोच रहे होंगे कि तुम यहाँ आओ, प्यार मोहब्बत बढ़ाओ और अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने की कोशिश करो। तो तुम्हारे जैसी लड़की के लिए जरूरी था जो अपने दामन पर एक धब्बा लगाकर एक भले घर के लड़के को फंसाने चले। आज के बाद अगर तूने इस घर पे या तुषार के ऊपर नजर उठाने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। निकल जा मेरे घर से, और ये बेइज्जती को याद रखकर फिर से दोबारा इस घर में कदम रखने की कोशिश भी मत कर। निकल जा। हजी, सभी के फैसलों से दबी हुई वर्तिका बहुत परेशान हो। मुझे तो लगता है कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। मुझे उसकी बहुत ही फिक्र हो रही है। अब शायद इससे ज्यादा कुछ मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता। इससे ज्यादा अपमान, इससे ज्यादा बेइज्जती, और वो भी मुझसे ज्यादा माँ, बाऊ जी, मामा जी, अजीत भैया और सुमन भाभी के, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास जीने के लिए और कोई वजह है, और कोई मकसद बचा है। बाबा, मुझे माफ कर देना कि मैं इतनी कमजोर होकर एक गलत कदम उठाने जा रही हूं। क्योंकि शायद मेरे बाऊ जी को एक और तकलीफ देगा। लेकिन आखिरी बार, बचाओ, बचाओ, कोई है?
की इज्जत को कोई मैला करता है। तब तब जग में एक अंधियारा सा फैला करता है। जब जब औरत की इज्जत को कोई मैला करता है, तब तब जग में एक अंधियारा सा फैला करता है। देती है सम्मान इसे, देती है सम्मान इसे सब झूठे मानवता। जन्म इसी से ले इसको ही लूटे मानवता। जन्म इसी से ले इसको ही लूटे मानवता, लूटे मानवता। मुझे अभी भी तुषार जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम जहां भी हो ना फौरन घर चली आओ। भाभी, भाभी मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ। मेरा मतलब है कोई और। क्या बात है, लाए वर्तिका जी। लाओ फोन दो मुझे। भाभी, तुषार की माँ की बातों से मैं बहुत टूट गई थी और उसी वजह से गलत कदम उठाने जा रही थी। कि अचानक मैंने देखा कि कुछ लोग एक बच्ची को उठाकर ले जाते हैं। अभी बस मैंने उन लोगों का पीछा किया। देख वर्तिका, मेरी बात सुन। ये जो कुछ भी होना है तू उसमें अपनी टांग मत लड़ा और सीधे सीधे घर चलिया। एक छोटी सी बच्ची को ऐसी हालत में छोड़कर मैं आ जाऊं? सारी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा तूने? देख, इस परेशानी में मत डाल अपने आप को और सीधे सीधे घर चलिया। ये मेरा तेरे को ऑर्डर है। दिस इज एन ऑर्डर। अजीत, क्या हुआ? आपने फोन क्यों काट दिया? तो क्या करूं सुमन? अरे पता नहीं किसी लड़की का रेप हुआ और ये उनके पीछे घूम रही है उनकी हेल्प करने के लिए। क्या? बस इसकी यही हरकतें ना मेरे दिल में इसके लिए नाराजगी पैदा करती है। हेल्प। मदद ना करूं, जैसे लोग ये भूल जाते हैं कि अगर
अगर उस लड़की की जगह उनके घर की बहू बेटी होती तो भी क्या ये लोग इसी तरह से हाथों में चूड़ियां पहनकर छुपे रहते? बिल्कुल नहीं वर्तिका। अगर उस लड़की की जगह उनके घर की बहू बेटी होती तो भी क्या ये लोग इसी तरह से हाथों में चूड़ियां पहनकर छुपे रहते? बिल्कुल नहीं वर्तिका। मैं तेरे साथ हूं और मैं अभी वहां पे आती हूं और हम लोग उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाएंगे। तू चिंता मत कर। वो तो हम बाद में जाएंगे बिंदिया, पहले हमें अस्पताल जाना होगा। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है बाबा, जैसे तू बोलेगी पहले हम लोग अस्पताल जाएंगे फिर उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाएंगे। हाँ। मुझे तुम पर गर्व हो रहा है बिंदिया, और उससे भी ज्यादा वर्तिका जी पर। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि इस समय तुम्हें मेरी जरूरत है और लोहा ही लोहे को काटता है। तो ये बात है। क्या नाम है आपका? वर्तिका जी। तो वर्तिका मैडम, आपने जो हिम्मत दिखाया है वो वाकई तारीफ के काबिल है। लेकिन एक बात गौर करने की है, और वो ये है कि क्या वो लड़की या उसके मां बाप इस केस को आगे बढ़ाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना। क्योंकि ऐसे केस में अक्सर ऐसा देखा जाता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप पहले इसके बयान पर रिपोर्ट तो लिखिए, बाकी बातें बाद में तो होती रहेंगी। ए भाई, मैं तेरे बार बार समझा रहा हूं कि मैं इनसे बातें कर रहा हूं, तू बार बार बीच में टांगे क्यों अड़ा रहा है? अरे रहने दीजिए सर, बस आप रिपोर्ट लिख लीजिए, क्योंकि जब तक आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे उस बच्चे का अस्पताल में इलाज शुरू नहीं होगा। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, प्लीज आप रिपोर्ट लिख लीजिए प्लीज। तेरी ऐसी की तैसी चिकनकी, किसने कहा था तुझे आशिकी करने को? और वो भी ऐसे वक्त में जब हम खुद अपनी परेशानी से परेशान हैं। भाई जी, किसी भी तरह से इस बार हमें बचा लीजिए। एक बच्ची की जिंदगी पर इतना बड़ा पहाड़ टूट गया, आपको इससे भी बड़ा कोई और काम लगता है? ये आपकी ड्यूटी नहीं है? हमें मत सिखाइए मैडम कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें जाना है तो जाना है, और वैसे भी हमारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। शक्ति के बिन शिव है अधूरा।